Hey guys, welcome back to the channel. ये मेरा second episode है of the series Fun with Plants, जिसमें मैं अपने घर के सारे plants को जमा करता हूँ और मैं उन सबके बारे में information बताऊँगा. तो जैसे कि मैंने last video में बताया, बहुत सारे videos बनने वाले, तो be ready. और जैसे मैंने last episode में बोला था, मैं छोटे से बड़े plants करूँगा, तो आज मैं ये वाला plant लाया हूँ जिसका नाम है रबर प्लांट. बेबी रबर प्लांट भी बोलते हैं जिसका कॉमन नाम है, और उसका असली नाम है पेपरमिया ऑक्सोफिलियस. ये इसका असली नाम है. अभी मैं ये वाले वीडियो में इसके बारे में, उसका लाइट कितना लगता है उसको और पानी कितना लगता है उसको, तो सबसे पहले मैं लाइट से स्टार्ट करता हूँ. रबर प्लांट्स को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट लगता है, मतलब डायरेक्ट लाइट नहीं, इनडायरेक्ट, मतलब कुछ बीच में लाइक कर्टन की तरह होना चाहिए ताकि आपको परफेक्ट लाइट लगे अपने रबर प्लांट को. अगर वो डायरेक्ट लाइट मिलेगा तो फिर स्कॉच रहेगा, मतलब स्कॉच मतलब वो गर्म हो जाएगा पर उसका कलर चेंज रहेगा, सूख जाएगा पर कलर चेंज हो जाएगा. फिर अभी पानी ज़्यादा मत दो उसको, प्लांट को अपने ज़्यादा मत दो, पूरा हर दिन मत डालो, जब तक वो सूख जाता है तब तक उसको डालो. समर में उसको हर हफ्ते डालने का, या फिर जब तक वो सूख जाता है, और विंटर में हर दो तीन हफ्ते डालने का. और ये एक प्लांट का मिनी वर्जन है. वो बड़े वाले रबर प्लांट के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो इससे भी ज़्यादा अलग है. अभी पानी के बारे में, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो थिक फ्लैशी लीव्स है ना, उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है और उससे वो पानी ज़्यादा देर तक वो अपने रूट्स में रख सकता है. तो गाइस, आज के लिए इतना ही. मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन पता था ये प्लांट के बारे में, मैंने बोल दिया है. अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा. बाय बाय.